वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज और मावने खसूसी आसिम सलीम बाजवा ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। शिबली फराज ने इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वजीर आजम की जानिब से जिम्मेदारी सौंपना एजाज की बात है। वजारत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए एक टीम की तरह लगन से काम करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज और मावने खुसूसी आसिम सलीम बाजवा वजारत इत्तलात पहुंचे और अपनी जिम्मेदारियां संभाली। वजारत इत्तलात में पहली बैठक के दौरान सेक्रेटरी इत्तलात और सीनियर अफसरान ने इदारों के अमूर पर वफाकी वजीर और मावने खुसूसी को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर शिबली फराज का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान का अहम जिम्मेदारी सौंपना मेरे लिए एजाज की बात है। इत्तलात नशरियात की वजारत को हमेशा से रिवायती अंदाज से चलाया जाता रहा है। हमने वजारत इत्तलात के किरदार को मजीद फाल और मुतहरिक बनाना है। शिबली फराज का मजीद कहना था कि ये एक दिन का काम नहीं, इसको बतदरीज आगे बढ़ाएंगे। वजारत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए एक टीम की तरह लगन से काम करना होगा। अदब और सकाफत के फरोग के लिए वजारत इत्तलात का किरदार निहायत अहम है। दूसरी जानिब मावने खसूसी आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि मेरे लिए बतौर मावने खसूसी काम करना बायस एजाज है। हमने वजारत इत्तलात को 21वीं सदी के तकाजों से हम आहंग करना है। वजारत के तमाम इदारों के माबैन हम आहंगी और तआवुन का फरोग निहायत जरूरी है।